जिद है तो जीत है। बताऊंगा आप सभी को क्यों जिद करनी चाहिए और क्यों जीत हमारी होगी। सबसे पहले तो आप सभी को तीज की ढेरों शुभकामनाएं। और अभी जो मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय से, या फिर मैं कहूँ हमेशा से, जब से मोबाइल आया, व्हाट्सएप आया, फेसबुक आया, जैसी भी जो वो चीज़ें चली, हम लोगों ने शो ऑफ के लिए, दिखावे के लिए एक ऐसी घटिया हरकत करनी शुरू की। करते रहे हैं, करते रहते हैं। मैं नहीं कहता आप सभी ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, और वो है हमारी सीक्रेसी आउट। आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। हम लोग जब वो हमेशा इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि ये देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। आप देश की सुरक्षा से समझ चुके होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सही बात कि आर्मी की इंफॉर्मेशन, या फिर देश के द्वारा क्या एक्शन लिए जाते हैं किसी एक्शन को लेने के लिए, उसके रिगार्डिंग जब वो हम लोग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, बिल्कुल घटिया हरकत करते रहते हैं कि यहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर वो हो गया। आपको भी पता है, पिछली बार जब वो एक आतंकी हमला हुआ था, जहाँ पर आतंकी अंदर थे बिल्डिंग के और न्यूज़ लाइव चल रही थी, तो वहाँ पर जब वो आतंकियों को कुछ सपोर्ट मिल रहा था, वो उस न्यूज़ के जरिए वो देख पा रहे थे कि आर्मी कितनी पहुँची हुई है, क्या कर रही है, किस तरफ से हमला कर रही है, किस तरफ से हमले की ट्राई चल रहा है। उसके बाद से जब वो काफ़ी तरीके के एक्शन लिए गए, वो तो रोके गए, लेकिन हम ह्यूमन बॉडी यानी हम इंडियंस नहीं रुक रहे हैं। इस मामले में रुक नहीं रहे हैं, मतलब कि इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, इंडिया ने इस समय ये कर दिया, इस समय ये कर दिया, इस समय ये कर दिया, ये चल रहा है, वो चल रहा है। हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती, हमें सिर्फ टूरिज्म को सपोर्ट करना है। हमें जब वो घूमना है, फिरना है, खाना है, पीना है, उसको आप जितना मर्जी शेयर कीजिए, फेसबुक पे डालिए, व्हाट्सएप पे डालिए, जहां मर्जी डालिए, अपनी प्राइवेसी को छोड़ करके, अपने देश की प्राइवेसी को छोड़ करके बाकी कुछ भी जो वो डाल दीजिएगा, लेकिन आर्मी की इंफॉर्मेशन और इस तरीके की और इंफॉर्मेशन कभी मत डालिए मेरे भाई, क्योंकि जिद करोगे तो ही जीत पाओगे, वरना बहुत बड़ा नुकसान हमें होता है। और हमारा पैसा जो है वो, चाहे हमें GST के थ्रू देना पड़ा है या फिर इनकम टैक्स के थ्रू देना पड़ा है, उसका जो है वो बेनिफिट या फिर उसकी वसूली सही से नहीं हो पाती है, क्योंकि वो पैसा बेकार हो जाता है। लास्ट में एक बार फिर से कहूँगा, इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ बताइए, उनको बोलिए कि ऐसा मत कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। और तीज की आपको एक बार के लिए फिर से मुबारकबाद, और ऐसी हरकतें देखें तो आप टोकिएगा जरूर, क्योंकि ये देश आपका है और आप रहेंगे तो देश रहेगा।